जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कि ऑडियंस के दिलों को छू लेती हैं। ऐसी ही एक मूवी है आशिकी। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल OMG अननोन फैक्ट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी आशिकी मूवी से जुड़े कुछ अनसुने और अननोन फैक्ट्स। हमारा वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि मूवी के पोस्टर बनाने के पीछे की वजह क्या थी, क्यों जैकेट को इसमें यूज किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। उस टाइम के सलून और बार्बर्स राहुल रॉय के हेयर कट से काफी पैसे कमा रहे थे। फिल्म की सफलता के बाद सिंगर कुमार सानू रातों रात स्टार बन गए। उन्होंने इस फिल्म के लगभग सभी गाने गाए थे जो बहुत हिट साबित हुए थे। साउंडट्रैक एल्बम को प्लेटफॉर्म बॉलीवुड द्वारा उनकी 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड साउंडट्रैक पर 4 रैंक मिली थी। आर सानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण की जोड़ी ने हर फिल्म के लिए काम किया और इनका म्यूजिक एक बड़ा हिट रहा। तेज भट्ट लीड रोल के लिए पूजा भट्ट को चाहते थे, लेकिन उस वक्त पूजा एक्ट्रेस बनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने प्यार किया की सफलता के बाद महेश भट्ट ने सोचा कि क्यों ना एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म बनाई जाए, जिसका परिणाम आशिकी थी। गुलशन कुमार ने अदिया मूवी के गाने सुने और नदीम श्रवण को इसके बारे में बताया। उन्होंने बाद में उसी धुन को मैं दुनिया भुला दूंगा में यूज किया था। दीपक और राहुल रॉय शूटिंग के दौरान एक ही रूम शेयर करते थे और तब से वे बहुत अच्छे दोस्त हैं। महेश भट्ट के अनुसार फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ उनके रियल लाइफ रिलेशनशिप से प्रेरित है। मूवी का म्यूजिक इतना हिट हुआ कि आज भी काफी ज्यादा सुना जाता है। महेश भट्ट ने महसूस किया कि जो उसके मेन कैरेक्टर हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो इसीलिए फिल्म के पोस्टर में उन्होंने उनके फेस को एक कोट के पीछे छिपाने का फैसला लिया और इसी फैसले ने मूवी के लिए एक लाइमलाइट का काम किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।